हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए होड़ मच गई है। सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि उनकी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की, अब यह हाईकमान पर है कि वो क्या फैसला करता है। सैलजा के इस दाव से अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में बेचैनी बढ़नी तय है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस में हलचल भी बढ़ने लगी है। सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा कांग्रेस की दिग्गज नेताओं में शुमार है। सैलजा हरियाणा की सियासत में अपना रसूख और बढ़ाना चाहती हैं, इसलिए वो खुद विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी में है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ती है और कांग्रेस ही हरियाणा की सत्ता में वापसी होती है तो सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार में से ये एक हो सकती है। कुमारी सैलजा के विधानसभा चुनाव में उतरने से बीजेपी से ज्यादा चिंता भूपेंद्र हुड्डा को हो रही है। अब जब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में कांग्रेस के लिए भी सिरदर्दी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस इस बार हरियाणा में जीत की आस लगाए बैठी है, वहीं नेताओं के बीच सीएम पद की खींचातान आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। फिलहाल जो मौजूदा स्थिति बन रही है उससे साफ पता चल रहा है कि हरियाणा कांग्रेस दो खेमे में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ कुमारी सैलजा का खेमा है और वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा। अगर सीएम पद को लेकर के दोनों खेमों में खींचतान खुलकर सामने आ गई तो इसका नुकसान कांग्रेस को चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस हर हाल में चाहेगी कि चुनाव में ऐसा कुछ ना हो जिसका नुकसान उसे उठाना पड़े। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उससे कांग्रेस का हौसला जरूर बढ़ गया है, लेकिन पार्टी की आंतरिक कलह हरियाणा में उसके लिए परेशानी का बड़ा सबब बन सकती है। इससे पहले सैलजा ने कहा था कि नौकरियों में घोटाले हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि अब ऐसी सरकार से छुटकारा पाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के प्यार और मोहब्बत एवं विकास के नारे को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। लोगों को जन विरोधी सरकार से मुक्ति दिलाकर हम उनके हकों की रक्षा करेंगे। इस मौके पर अन्य पार्टी महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कहा है कि भाजपा ने प्रदेश में ऐसा माहौल बना दिया है कि कोई भी वर्ग सुखी नहीं है। ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट की चोट से बदल लेना होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा में कांग्रेस के अंदर ही जो लड़ाई है सीएम पद को लेकर के वो छिड़ती हुई नजर आ रही है। अब आगे इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।